फ्रेंड्स, मैं ये जो चैप्टर है एम टू के लिए, ट्वेल्थ क्लास के लिए एम टू का ये फर्स्ट चैप्टर है। रिवीजन चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन इज नाउ गोइंग ऑन। ये है हमारा पीरियड नंबर 8, है ना। पीरियड नंबर 7 में हमने थ्योरम नंबर 2 और स्टैंडर्ड फार्मूले, सिर्फ फार्मूले मैंने आपके लिए नोट करके दिए हैं, पूरा थ्योरम वेरी वेरी मोस्ट हैप्पी। अब जो भी फार्मूले, ओनली फार्मूले यू हैव टू नोट इन योर नोटबुक, है ना। नोटबुक के पहले पेज पे ये पूरे स्टैंडर्ड फार्मूले, पहले 13 फार्मूले, बाद में 6 इनवर्स के फार्मूले, और जो लास्ट मैंने लास्ट 6 सेट दिए थे फार्मूले, वो एज इट इज होना। अब ये पीरियड में हम ये पार्ट डिवीजन है यहाँ पर, तो थोड़ा सा फास्ट लेके, और ये फार्मूले यहाँ पर, ये ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट पीरियड फार्मूले हियर प्रॉब्लम्स, देख लो क्या है प्रॉब्लम्स। हाँ, ये दोस्तों, ये हमारे पास है बॉक्स एक्सरसाइज नंबर 2 दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 2 है। क्वेश्चन कंपलसरी हमारे पास, डिफरेंशिएट द फार्मूला। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कंपलसरी है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। देख लो दोस्तों, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोस्तों क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ना देख लो दोस्तों, फर्स्ट वन, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, टेन इनवर्स ऑफ लॉग एक्स। देखो दोस्तों क्या है, टेन इनवर्स ऑफ लॉग एक्स पहला प्रॉब्लम है, इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट प्रॉब्लम। दोस्तों देख लो, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, वी हैव टू डिफरेंशिएट, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस। देख लो हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। कहिए देख, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ लॉग एक्स है दोस्तों, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ लॉग एक्स है। हाँ, देन करो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यू नो टेन इनवर्स के लिए क्या है दोस्तों, हमारे पास टेन इनवर्स के लिए है, टेन इनवर्स के लिए क्या है, कल लास्ट पीरियड ये 6 फॉर्मूले, ये थर्ड वन क्या है, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स के लिए क्या दोस्तों, डी वाई बाय डी एक्स, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव सब्जेक्ट देख लो, 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, टेन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है, 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, यानी दोस्तों लॉग एक्स होल स्क्वायर इनटू, हाँ हुआ। देन अब ये टेन इनवर्स छोड़ दो दोस्तों, ये छोड़ दो, लॉग का डेरिवेटिव 1/x, लॉग का डेरिवेटिव 1/x है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है 1/x इंटू 1 प्लस क्या है दोस्तों, लॉग एक्स होल स्क्वायर है। ये है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस वन। देखिए देख लो क्या है, टेन इनवर्स के लिए क्या है दोस्तों, 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर देन लॉग का डेरिवेटिव 1/x है, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, देन एक्स का डेरिवेटिव 1, क्या है ये एज इट इज दोस्तों। देख लो देन ये फर्स्ट वन, उसके बाद दोस्तों सेकंड प्रॉब्लम देख लो क्या है, सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास वाई इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर। ये क्या है प्रॉब्लम नंबर 2 दोस्तों, y इक्वल टू मैंने लिया है y, हाँ कोसेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, मैंने लिया है y इक्वल टू, करो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ क्या है ये, हाँ यू नो ये y का डेरिवेटिव क्या है, dy by dx है, y का डेरिवेटिव dy by dx दोस्तों, कोसेक इनवर्स क्या है, कोसेक इनवर्स के लिए, कोसेक इनवर्स के लिए यू नो वेरी वेल -1/f(x) e रेस टू x इनटू क्या है दोस्तों, f ऑफ x का स्क्वायर है e रेस टू x, इसका क्या है होल स्क्वायर -1 है, देन इनटू अब ये f का डेरिवेटिव कोसेक इनवर्स के लिए देख लो दोस्तों, -1/f(x) इंटू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वेयर -1, अब ई रिस्क टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होना ना,
e raise to x का डेरिवेटिव दोस्तों e raise to x into x का डेरिवेटिव 1 ओनली स्टैंडर्ड फार्मूले 13 स्टैंडर्ड फार्मूले और यूनिवर्स के 6 फार्मूले लास्ट पीरियड के वो तुम्हारे पास होना दोस्तों क्या ये दिस विल गेट कैंसिल माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ e raise to x उसका स्क्वायर e raise to x का होल स्क्वायर एंड और 2x माइनस 1 ये है तुम्हारी ये सेकंड प्रॉब्लम दोस्तों ये है सेकंड प्रॉब्लम हाँ देख लो इन दिस वे यहाँ पर बहुत पहले स्टार्टिंग में बहुत इजी और स्मॉल स्केल पे क्वेश्चंस हैं देन स्टेप बाय स्टेप देयर विल बी क्वेश्चंस अप टू 4 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन है ये पार्ट पे बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू दोस्तों देख लो क्या है ये हाँ ये है हाँ ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देख लो क्या ये हाँ क्वेश्चन नंबर 3 हाँ क्या है दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन है cot इनवर्स ऑफ 4s2x है ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x ये क्वेश्चन है हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो कंपलसरी दोस्तों क्या होना ले y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 4s2x है y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 4s2x अब इसको करो डिफरेंशिएट दोस्तों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x है हाँ देख लो क्या ये y का डेरिवेटिव dy by dx है दोस्तों ये है y का डेरिवेटिव dy by dx इक्वल टू cot इनवर्स के लिए यू नो वेरी वेल cot इनवर्स का फार्मूला देख लो क्या है cot इनवर्स के लिए माइनस 1 बाय 1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर e रेस टू सॉरी 4s2x होल स्क्वायर है cot इनवर्स के लिए दोस्तों माइनस 1 बाय 1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर इनटू अब ये cot छोड़ो क्या है दोस्तों ये 4s2x यानी f of x का डेरिवेटिव f डैश 4s2x into log 4 normally a raise to x का डेरिवेटिव a raise to x into log है हाँ देखो क्या ये compulsory x का डेरिवेटिव 1 minus 4 raise to x into log 4 by 1 plus x whole square यानी और ये 2x है ये है तुम्हारे लिए दोस्तों dy by dx देख लो बहुत इजी क्वेश्चन है एक cot इनवर्स के लिए क्या है ये इसको डिफरेंशिएट करना है स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है हमारा माइनस 1 बाय 1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर है ये 4s2x होल स्क्वायर देन 4s2x का डेरिवेटिव 4s2x into log 4 अब x का डेरिवेटिव 1 ये है तुम्हारे लिए dy by dx देख लो क्या है हाँ देन हाँ नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम देखो दोस्तों प्रॉब्लम बहुत इजी है स्टार्टिंग के प्रॉब्लम बहुत इजी है केयरफुली देख लो देन जो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे लिए श्योरली हो जाएगा देखो पहले फोर्थ वन फोर्थ के लिए देखो हाँ क्या है फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 हाँ साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय दोस्तों ये है एफ ऑफ एक्स ये है हमारे लिए एफ ऑफ एक्स फार्मूला क्या है ये अब ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव दोस्तों क्या है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड फार्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है साइन इनवर्स के लिए दोस्तों 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इनटू ए एफ का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स ये देख लो क्या है ना यहां पर लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 हां इसको करो डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हाँ क्या ये करो
y का डेरिवेटिव dy by dx है, देन साइन इनवर्स के लिए दोस्तों साइन इनवर्स के लिए माइनस सॉरी यार 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस f ऑफ x, यानी ये दोस्तों f ऑफ x यानी पूरा होल स्क्वायर, यानी वो क्या होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2, ये है होल स्क्वायर इन है। हाँ, ये यूजिंग फार्मूला देख लो क्या है ये। हाँ, अब f का डेरिवेटिव f डैश है, यहां पर लेता हूं मैं f का डेरिवेटिव f डैश क्या है, अभी ये रूट के लिए दोस्तों ये रूट का डेरिवेटिव रूट के लिए क्या है 1 बाय 2 रूट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 है, ये रूट का डेरिवेटिव 1 बाय 2 देन अब रूट छोड़ दो दोस्तों रूट छोड़ दो, रूट के अंदर जाओ x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर कितना है जो है जो आगे दो x से टर्म करो 1 बाय ये 2 को ये कैंसिल है। हां 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये रूट है ना, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 x है ऊपर x बाय 2 इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 है। हां इसको सॉल्व करो क्या आता है, ये आता है ऊपर दोस्तों ये 2 है माइनस 1 चलेगा x बाय ये 2 माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर है 1 माइनस x स्क्वायर है बाय 2 इनटू 2 इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाय है, ये होता है कैसा दोस्तों ये सॉल्व कर दिया, देख लो क्या है ये हुआ ये 2 माइनस 1 माइनस x स्क्वायर 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 है। हां ये मैंने दो ऊपर लिया ये 2 माइनस 1 और ये माइनस अंदर जाता ये माइनस x स्क्वायर देन अगेन उसके लिए यहां पर आवा क्या है देख लो। हां क्या है x बाय अंडर रूट ऑफ क्या है ये है ये क्या है दोस्तों ये प्लस है ये प्लस क्या होता फिर हाँ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 प्लस x स्क्वायर क्या है ये रूट 2 इनटू रूट 2 दोस्तों रूट ये दो बाहर रूट 2 इनटू रूट 2 यानी व्हाट बाय 2 रूट 2 इनटू रूट 2 यानी रूट 4 रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 यानी दिस विल गेट कैंसिल dy by dx क्या है दोस्तों x by under root of 1 minus x raise to a minus b a plus b a square minus b square दोस्तों देखो ये प्रॉब्लम नोट करो। ये है तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम है देखो देन ये फोर्थ के बाद फिफ्थ के लिए बाद हाँ प्रॉब्लम नंबर 4 के बाद 5 के लिए आवाज हाँ देख लो दोस्तों ये प्रॉब्लम नंबर 5 प्रॉब्लम नंबर 5 के लिए y कट गया ये cos inverse of 1 minus x square है y put क्या ये cos inverse of 1 minus x square करो इसको differentiate with respect to this है y ये y के लिए y का derivative dy by dx है y का derivative dy by dx equal to cos inverse के लिए you know very well cos inverse का derivative माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर है ना cos इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस f ऑफ x का स्क्वायर इनटू हां अब ये f का 1 छोड़ दो माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x क्या है दोस्तों माइनस माइनस प्लस 2x ये माइनस माइनस प्लस 2x बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर ये है तुम्हारे लिए फिफ्थ प्रॉब्लम दोस्तों ये है तुम्हारे लिए फिफ्थ प्रॉब्लम हां देन
ये सिक्स के लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स, y इक्वल टू क्या ये cos क्यूब ऑफ cos इनवर्स ऑफ x क्यूब। दोस्तों प्रॉब्लम नंबर सिक्स देख लो, प्रॉब्लम नंबर सिक्स के लिए करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है दोस्तों। देख लो डेरिवेटिव क्या है ये dy बाय dx है, पावर cos पावर कितना है तीन है, ये f ऑफ x है दोस्तों, ये f ऑफ x है, पावर कितना है तीन है, तीन आगे दो एक से कम करो क्या ये cos इनवर्स ऑफ x क्यूब इनटू है, ये पावर छोड़ दो, पावर तीन फ्रंट साइड में लिए एक से कम मैंने दो, अब ये तीन छोड़ दो क्या ये छोड़ दो, ये cos cos का डेरिवेटिव दोस्तों माइनस साइन cos इनवर्स ऑफ x क्यूब है, ये तीन छोड़ दो cos cos का डेरिवेटिव माइनस साइन f ऑफ x एज इट इज, अब ये cos छोड़ दो क्या है अंदर cos इनवर्स का डेरिवेटिव, cos इनवर्स के लिए दोस्तों क्या है माइनस वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस f ऑफ x है ना, cos इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस f ऑफ x का स्क्वायर यानी x का पावर क्यूब है उसका स्क्वायर यानी और सिक्स इंटू, हाँ देन x का डेरिवेटिव दोस्तों x का x क्यूब का क्या होता है थ्री एक्स का स्क्वायर, x का डेरिवेटिव पावर थ्री नहीं आगे लो एक से कम करो दो, अब x का डेरिवेटिव वन देख लो दोस्तों बराबर, हाँ देन डी वाई बाई डी एक्स है माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स स्क्वायर क्या ये माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू थ्री कितना ये नाइन एक्स स्क्वायर है, देन ये माइनस माइनस प्लस फिर क्या आता है ये क्रॉस स्क्वायर क्रॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन इनवर्स ऑफ क्रॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब बाय क्या ये अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स का पावर सिक्स, ये है दोस्तों प्रॉब्लम नंबर सिक्स डी वाई बाय डी एक्स। हाँ देख लो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेटिव तुम पहले अभी फिलहाल डेरिवेटिव क्रॉस का पावर तीन है, तीन आगे लिया एक से कम हुआ यानी दो, अब ये क्रॉस क्यूब छोड़ना क्यों लिया दोस्तों क्या ये क्यूब फ्रंट साइड लेना एक से कम करना बाकी एज इट इज, अब ये तीन पावर छोड़ दो दोस्तों क्या ये क्रॉस है क्रॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन बाकी एज इट इज इट इज ऑल चेंज रूल क्रॉस का डेरिवेटिव क्या ये पावर छोड़ दो क्रॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ये एज इट इज, अब ये क्रॉस छोड़ दो क्रॉस इनवर्स के लिए दोस्तों माइनस वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स का पावर सिक्स, अब ये क्रॉस इनवर्स छोड़ दो एक्स का पावर तीन है तीन आगे लो एक से कम करो इट इज